हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग्स में। और ये है मेरी प्रिंसेस, माय स्वीट गर्ल। सो गाइस, मैं आज अपनी बिटिया को क्यों लाई हूँ वीडियो में, उसका भी आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बताती हूँ क्यों लाई हूँ। सो बात ऐसी है कि आज है बाबू का बर्थडे और मैं खाना बनाने किचन में ही आई थी, तो ये मेरी बिटिया रानी बोली कि बाबू के लिए मैं भी थोड़ा कुछ मेहनत करना चाहती हूँ, तो मैंने बोला ओके। तो बिटिया रानी बनाएंगी मेरी सब्जी जो कि बाबू की फेवरेट है, परवल की सब्जी। सो हम माँ बेटी मिलकर बनाने वाले हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। काफ़ी इन्जॉय कर करके हम लोग बनाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये अपने भाई के लिए कुछ मेहनत करना चाहती, तो जी बिल्कुल कर सकती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बोलो। मेरे भाई का बर्थडे है तो मुझे तो थोड़ी मेहनत करनी ही चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए। तो बिटिया रानी बनाने जा रही है सब्जी, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग्स पर। सो गाइस, बिटिया रानी बना रही हैं खाना और खाने में बना रही हैं सब्जी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इधर बाबू का बर्थडे है तो बिटिया रानी बोली बाबू के लिए मैं कुछ बनाऊँगी। इधर परवल और आलू फ्राई करके निकाल लिया है और उधर कांदा मीन्स के प्याज लहसुन अदरक मिर्ची पका लिया है, जीरा डाल के छौंक लगाया और टमाटर की ग्रेवी करके उसको डाल के हिला रही हैं। तो बोली मम्मा मैं भाई के लिए कुछ बनाती हूँ, तो मैंने बोला आप ट्राई कर लो। तो बस वही बना रही हैं और आप लोग देख ही रहे हैं कितना कोशिश कर रही हैं। हाय राम, उफ ये गर्मी, मेरी बिटिया बहुत परेशान हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। सो गाइस, मैं वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने के लिए कहा गया था और ये बना रही हैं मैडम जी। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मेहनत कर रही हैं। आई होप इनके भाई को इनकी मेहनत पसंद आ जाए। सो थोड़ा सा मैं इनका हेल्प कर देती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इनका हेल्प कर देती हूँ। आ जाओ आप, तो मैं थोड़ा सा बिटिया रानी का हेल्प करूँगी क्योंकि उनका हाथ दुखने लगा है। तो अभी यहाँ पर मैं संभाल रही हूँ क्योंकि मसाला ऐड करना है। तो हमारी ग्रेवी हो चुकी है फाइनली और ये देख रहे हैं आप लोग जैसा कि यहाँ पे पका के रखा हुआ है। अब इसमें हमें ऐड करना है फ्रेंड्स मसाले। तो मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई चम्मच हींग पाउडर। तो इतने मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। और इसको हमें अच्छी तरीके से भूनना है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से अच्छे से इसको भून लेना है। और आप लोग देख रहे हैं मसाला पक चुका है तो तेल ऊपर आ रहा है। तो फाइनली ग्रेवी पकने का यही बेस्ट, ये बेस्ट है समझने के लिए कि हमारा मसाला और हमारी ग्रेवी पकी है या नहीं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरी ग्रेवी पक चुकी है। तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे नमक। तो ये है मेरे नमक का जार, तो मैं इसमें, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, मुझे जितना डालना था उतना मैंने डाल दिया है। सो मैं अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो गाइस, मुझे ज़्यादा पतला नहीं सब्जी बनाना था, ज़्यादा ग्रेवी नहीं, तो मैं इसे सूखा ही थोड़ा रखूँगी। और अब इसमें हम यहीं पर डाल देंगे जो हमने परवल और आलू पकाया हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सब्जी हमारी बनकर हो रही है रेडी। और देखिए मैंने फाइनली सब्जी को बनाया है सरसों के तेल में, तो आप लोग भी थोड़ा राई का तेल यूज करेंगे तो बेस्ट है। इस समय मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा वेट लॉस करना है। वेट लॉस करने के लिए भी राई का तेल बहुत बेस्ट होता है क्योंकि सिम तेल खाते 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 ना हमारे फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। सो मैं तो हेल्दी हूँ भी, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इधर देखिए मेरी फाइनली सब्जी जो है वो हो गई है बनकर रेडी। और बिटिया रानी में भी इसमें काफ़ी मेहनत की थी, तो मैं बिटिया रानी को आप लोगों को दिखा रही हूँ। इधर ही खड़ी है, सूट कर रही है और हम माँ बेटी दोनों मिलकर बना रहे हैं बाबू के लिए सब्जी। तो ये बाबू की फेवरेट डिश है, तो
तो बस वही बन रही है। आप लोग बताइएगा ज़रूर बाबू के लिए, उनकी बहन ने इतना मेहनत किया है। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। तो हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए था, इसके लिए हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने पानी नहीं ऐड किया हुआ क्योंकि हमें इसी तरीके से चाहिए था, पराठे और सलाद के साथ खाना था। तो देखिए फाइनली हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।